नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनराइज एकेडमी जयपुर में। देखिए, हम आज रीजनिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि रीजनिंग में कितने टॉपिक हैं, वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है। तो देखिए, रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तर्क शक्ति कहते हैं। अगर अपन बात करें, इसके पॉइंट की बात करें, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग वर्बल, वर्बल, और दूसरा भाग कहलाता है बेटा नॉन वर्बल। अब देखिए, वर्बल क्या होता है और नॉन वर्बल क्या होता है, और वर्बल के आपको कितना टॉपिक पढ़ना है और नॉन वर्बल के आपको कितना टॉपिक पढ़ना है। अगर वर्बल की बात करें तो एग्जाम की दृष्टि से बात करें, एसएससी और रेलवे की बात करें, चाहे पटवारी हो गया, पुलिस हो गया, अगर आपको वर्बल क्लियर करना है तो टोटल मिला के आपको 22 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। और अगर नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल के 9 टॉपिक है, और टोटल आपके सिलेबस में चाहे एसएससी हो या रेलवे हो, टोटल मिला के आपको 31 टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है। अगर आपके 31 टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हैं, तो मैं मानता हूं कि आपका हर एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। तो देखिए, वापिस एक बार और बता रहा हूं, रीजनिंग दो पार्टों में बटा होता है। पहला वर्बल होता है और दूसरा नॉन वर्बल होता है। वर्बल में 22 टॉपिक होते हैं और नॉन वर्बल में 9 टॉपिक होते हैं। टोटल मिला के टॉपिकों की जो संख्या आती है हमारे सामने, वो 31 टॉपिक है, ठीक है। और अगर वेटेज की बात करें, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवार की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मिलता है वो हमें वर्बल से मिलता है। और उसके बाद में लगभग अगर अपन एसएससी की बात करें, तो एसएससी में रीजनिंग का जो वेटेज रहता है वो 25 क्वेश्चनों का होता है, और इन 25 क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वर्बल के मिलते हैं। उसके बाद में किसका मिलता है बेटा? नॉन वर्बल का मिलता है। अगर अपन बात करें, लगभग 20 क्वेश्चन वर्बल का होगा और 5 क्वेश्चन किसका होगा बेटा? नॉन वर्बल का होगा। आ गया सब पे समझ में? ठीक है। अब देखिए, हम टॉपिक की बात करते हैं, काफी अच्छा पॉइंट है। और एग्जाम की दृष्टि से अगर अपन बात करें, तो हर एग्जाम में, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लीजिए, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इसको देखने को मिलता है। देखिए, मैं पहला टॉपिक लेके आ रहा हूं, डाइस, पासा। अब देखिए, ये पासा क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये कैसा दिखता है, फलक कितना होता है, कोने कितने होते हैं, भुजा कितनी होती है, एक साथ कितनी फलक दिखाई देती है, कम से कम कितना फलक दिखाई देता है, अधिक से अधिक कितना फलक दिखाई देता है, यहाँ पे मानक पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है, पासे की दो आकृतियों के क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना है, तीन आकृतियों का क्वेश्चन होगा, चार आकृतियों का होगा, खुला पासा होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें, पासा, इसकी आकृति की बात करें, तो इसकी आकृति बेटा इस प्रकार बना होता है। ये आकृति होता है, और इसमें कुछ चीजें आपको देखना है। पहली चीज, पासे में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं बेटा? 6 फलक होते हैं, और फलकों को अपन सतह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सतह भी बोलते हैं, और इंग्लिश में सरफेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? सरफेस बोला जाता है। अगर अपन पॉइंट नंबर 2 की बात करें, तो पासे में 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं बेटा? 8 कोने होते हैं। अब कोनों की अगर अपन बात करें, तो देखिए यहां पे ये एक कोना हुआ, ये दो कोना हुआ, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये कितने कोने हुए बेटा? 8 कोने। अगर यहां पे मैं फलकों की बात करूं, तो यहां पे देखिए, इसको कुछ समय के लिए आप डाइस मान लीजिए। आपके सामने ये है, देखो एक फलक हो गया,
ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और पीछे वाला कितना हो गया बेटा, छह फलक। तो याद रखना बेटा पासे में छह फलक होते हैं, फलकों को अपन सतह कहते हैं और इंग्लिश में सरफेस बोला जाता है। पॉइंट नंबर अगर अपन दो की बात करें तो इसमें आठ कोने होते हैं, कोने मैंने आपको यहां पे दर्शा के भी बताए हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात और ये कितना हो गया बेटा, आठ हो गया। अगर अपन पॉइंट नंबर थ्री की बात करते हैं तो अपन ये कह सकते हैं पासे में 12 भुजा होती है, कितनी भुजा होती है बेटा, 12 भुजा। अब भुजाओं की अगर अपन बात करें तो देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये कितना हुआ बेटा, 12। तो याद रखना बेटा पासे में छह फलक होते हैं, आठ कोने होते हैं और 12 भुजा होती हैं। भुजा को इंग्लिश में साइड बोला जाता है। अब इसमें कुछ चीजें आपको और याद रखना है। अगर अपन बात करें पहली चीज की बात करें तो याद रखना बेटा आपकी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको ऐसी आकृति तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर अपन आकृति की बात करें तो वहां पे एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको ऐसी आकृति मिलेगी, इस प्रकार की आकृति मिलेगी। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि पासे में छह फलकों में हमें एक साथ कितनी फलक दिखाई देती है बेटा, तीन फलक दिखाई देती हैं, एक दो और ये कितना फलक हुआ बेटा, तीन फलक। अगर अपन पॉइंट नंबर अगर अपन दो की बात करते हैं तो आपसे अगर मैं ये कहूं कि पासे में कम से कम कितना फलक दिखाई देता है तो याद रखना बेटा कम से कम की बात करते हैं तो कम से कम हमें एक फलक दिखाई देता है। जैसे देखिए इसको मैं देखता हूं, यहां पे पासा रखा हुआ है, मैं देखता हूं तो मुझे कम से कम तो एक ही फलक दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर अपन बात करें एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो हमें कितनी फलक दिखाई देती है बेटा, तीन फलक। और कम से कम की बात करता है तो वहां पर अपन आंसर देंगे एक फलक दिखाई देता है, और अगर अधिक से अधिक भी बोलता है तो अधिक से अधिक भी हमें कितना फलक दिखाई देता है बेटा, तीन ही फलक दिखाई देता है। ठीक है, ये तो इसका बेसिक कांसेप्ट है। एक बार मैं वापस रिवीजन मार देता हूं। देखिए पासे की जो आकृति होती है इस प्रकार होती है, इसको अपन वर्गाकार आकृति भी बोल सकते हैं, इसमें छह फलक होते हैं और फलकों को अपन सतह भी बोलते हैं, इंग्लिश में सरफेस बोला जाता है, आठ कोने होते हैं और 12 क्या होती है बेटा, भुजा होती है। अगर अपन एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो हमें एग्जाम में इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है जिसमें हमें केवल तीन ही फलक दिखाई देती हैं और तीन इसके विपरीत फलक होती हैं। अगर अपन बात करें कम से कम की बात करें तो कम से कम हमें एक फलक दिखाई देता है और अधिक से अधिक बेटा कितने फलक दिखाई देते हैं, तीन फलक दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहना। देखिए अगर अपन पॉइंट नंबर दो की बात करें बेटा, पासा दो प्रकार का होता है। होता है कितने प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसको अपन मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मानक पासा कहते हैं। और जो दूसरा होता है वो सामान्य पासा होता है, सामान्य पासा होता है। अब देखिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें मानक पासे को, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी ध्यान दें, मानक पासे को स्टैंडर्ड पासा बोला जाता है और सामान्य पासे को नॉन स्टैंडर्ड पासा बोला जाता है। अब देखिए अगर अपन मानक पासे की बात करें तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। कैसे, अगर अपन पासे की दो आकृतियों की बात करेंगे तो वहां पे भी आपको पता होना चाहिए कि मान क्या होता है, सामान्य क्या होता है। अगर अपन आकृति तीन की बात करेंगे
तो वहां पे भी आपको पता होना चाहिए मानक क्या होता है, सामान्य क्या होता है। आकृतियां, चार आकृतियों में भी हमें मानक और सामान्य भाषा देखने को मिलेगा। और एग्जाम में अगर आपको ये मानक और सामान्य भाषा के बारे में पता नहीं होगा तो आपका जो क्वेश्चन है वो सही नहीं होगा। तो अगर अपन मानक भाषा की बात करें तो इसका महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि मानक भाषा होता क्या है, हमें कैसे देखना है, एग्जाम में कैसे पहचानना है कि ये मानक है और ये सामान्य भाषा है, तो कुछ चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे मैं पहली पहले पॉइंट की अगर अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं बेटा कि पड़ोसी सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। अगर अपन बात करें बेटा मानक भाषा की बात करें तो मानक भाषा में पहला पॉइंट है कि पड़ोसी सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। अगर अपन बात करें बेटा पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो देखिए अपन ये कह सकते हैं विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। बस आपको दो ही चीजों के बारे में देखना है कि मानक में पहला चीज है कि पड़ोसी अंकों का योग 7 नहीं होता है, और दूसरा अगर अपन बात करें विपरीत अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। अगर अपन सामान्य भाषा में पहले पॉइंट की बात करें तो याद रखना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मानक का विपरीत पासा, मानक का जो विपरीत जो पासा होता है, विपरीत जो पासा होता है वही कौन सा पासा होता है, सामान्य पासा होता है। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि पड़ोसी अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन यहां पे बेटा सामान्य पासे की बात करें तो सामान्य पासे में याद रखना पड़ोसी सतहों के अंकों का योग 7 होता है। देखो मैंने आपको कहा था ना विपरीत ही होता है बेटा, यहां पे पड़ोसी अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन सामान्य पासे में पड़ोसी सतहों के अंकों का योग कितना होता है बेटा, 7 होता है। अगर अपन पॉइंट नंबर 2 की बात करें बेटा तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है मानक में, क्या कह रहा है कि विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है, लेकिन यहां पे अगर अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, नहीं होता है। देखिए दोनों आपस में विपरीत हैं, बस आपको कुछ चीजें ही याद रखना है। अगर आप मानक को याद रखते हो तो बस आपको एक चीज और याद रखना है कि मानक का जो विपरीत जो पासा होता है वो ही कौन सा पासा होता है बेटा, सामान्य पासा। यहाँ पे पड़ोसी अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बेटा पड़ोसी सतहों के अंकों का योग 7 होता है, यहाँ पे विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है, लेकिन सामान्य पासे की बात करें तो सामान्य पासे में विपरीत अंकों का योग 7 नहीं होता है। अब देखिए ये जो परिभाषाएं है ये आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझा देता हूं, अच्छी तरह से समझना। बस आपको बस कुछ चीजें याद रखना है बेटा कि मानक क्या होता है और मानक का जो विपरीत जो पासा होता है वही कौन सा होता है, सामान्य पासा होता है। ठीक है, अपन दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूं, अच्छी तरह से समझना। और जहां पे भी आपको लगे कि सर यहां पे थोड़ा सा डाउट है तो मुझे मैसेज करना,
मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एग्जाम्पल अपन बात करें, एग्जाम्पल नंबर वन की बात करें, मैंने क्या कहा, ए का विपरीत अंक है। अच्छी तरह से समझना, यहां पे ऑप्शन भी आपके सामने है, ये आपके पास में देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर करते हैं तो इन्हीं चीजों से बड़े क्वेश्चनों का निर्माण होता है। पासे की दो आकृतियां भी यहीं से निकल के आती हैं, तीन आकृतियां भी और चार आकृतियां। अब देखिए बेटा, आपको ये देखना है कि हमें पूछा क्या गया है, आपको एक के बारे में देखना है। अब देखो बेटा, ये जो डाइस है ये इस प्रकार है, यहां पे एक है, इसके ऊपर यहां पे दो रखा हुआ है और यहां पे कितना है बेटा, तीन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें एक साथ कितनी फलक दिखाई देंगी बेटा, तीन फलक। तो देखिए एक दो और तीन फलक दिखाई दे रहा है, तो यहां पे देखो इस फलक पे एक रखा हुआ है, इस फलक पे दो रखा हुआ है, इस फलक पे तीन रखा हुआ है। अब आपको ये देखना है क्वेश्चन क्या कहता है, एक का विपरीत क्या होगा। अब बेटा ये बताइए, एक का विपरीत यहां पे तो होगा नहीं, एक का विपरीत यहां पे तो होगा नहीं, क्योंकि एक का पड़ोसी तीन है और एक का पड़ोसी दो है। अगर मैं विपरीत की बात करूंगा बेटा तो एक का जो विपरीत होगा वो पीछे की तरफ होगा। अब देखिए बेटा परिभाषा क्या कहती है, डेफिनेशन क्या कहती है, मानक पासे में देखिए कि वह पासा जिसके पड़ोसी सतहों के अंकों का योग सात नहीं होता है लेकिन विपरीत सतहों के अंकों का योग कितना होता है बेटा, सात होता है। अब देखिए एक और ये तीन आपस में पड़ोसी हैं, तो आप मुझे बताइए इनका योग कितना हो रहा है बेटा, चार। तो मानक पासा क्या कहता है कि पड़ोसी अंकों का योग सात नहीं होना चाहिए, देखो नहीं हो रहा। अब अपन बात करें बेटा इन दोनों पड़ोसी सतहों की बात करते हैं, एक और दो कितना हुआ बेटा, तीन। आप मुझे बताइए इनका योग भी सात हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये मानक पासा है। अब यहां पे ये दोनों भी पड़ोसी हैं, यहां भी आपको देखना है तीन और दो कितना हुआ बेटा, पांच। अब बेटा मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पूरा का पूरा जो पासा है, ये पूरा का पूरा कौन सा पासा है बेटा, मानक पासा है। कौन सा पासा है बेटा, मानक पासा है। और मानक पासे को इंग्लिश में मैं बार बार कह रहा हूं स्टैंडर्डाइज बोला जाता है। अब देखिए आपको ये पता चल गया कि ये जो पासा है ये मानक पासा है, तो मैंने आपको मानक पासे में दो चीज बताई। पहली चीज क्या बताई है कि पड़ोसी अंकों का योग सात नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा, लेकिन विपरीत सतहों के अंकों का योग कितना होना चाहिए बेटा, सात होना चाहिए। अब देखो बेटा अगर एक की बात करेंगे तो एक का पड़ोसी तीन है, ये तो मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता बेटा। एक का पड़ोसी दो है तो दो भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए परिभाषा क्या कहती है कि जो एक का जो विपरीत अंक पीछे की तरफ जो होगा, उन दोनों अंकों को अगर मैं जोड़ूंगा तो उनका योग कितना होगा बेटा, सात होगा। अब देखिए बेटा यहां पे एक है तो मुझे इसके विपरीत फलक, मतलब यहां पे ऐसा कौन सा अंक रखना होगा कि इन दोनों को जोड़ने के बाद में इनका योग कितना होना चाहिए बेटा, सात होना चाहिए। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, अगर यहां पे एक है तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि इनका योग सात होगा, तो देखिए बेटा एक में अगर मैं छह जोड़ता हूं, कितना जोड़ता हूं बेटा, छह। एक में मैं अगर छह जोड़ता हूं तभी इन दोनों का योग कितना होता है बेटा, सात होता है। तो मैं ये कह सकता हूं बेटा यहां पे इस क्वेश्चन की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि एक का विपरीत कितना होगा, छह होगा,
क्यों होगा? क्योंकि दोनों विपरीत सतहों के अंकों का योग कितना होना चाहिए बेटा? सात होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब कोई जरूरी नहीं है कि आपसे एक का ही पूछे, यहां पे दो का भी पूछ सकता है, तीन का भी पूछ सकता है बेटा। अब देखिए बेटा, दो की बात करें तो याद रखना वही चीज आपको फॉलो करना है कि दो में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इनका योग कितना होना चाहिए बेटा? सात होना चाहिए। तो बताओ दो और पांच कितना हुआ? बताओ सात। तो मैं ये कह सकता हूं कि दो का विपरीत कितना होगा? बताओ पांच होगा। अगर अपन बात करें बेटा तीन की बात करें तो तीन में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि इनका योग कितना होना चाहिए? सात होना चाहिए। तो तीन में कितना जोड़ूंगा बेटा? चार जोड़ूंगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि तीन का जो विपरीत होगा वो कितना होगा? चार होगा। अब देखिए मैं आपको चीजें बताऊं, समझना एक बार। आपको अगर यहां पे पता चल गया कि ये मानक पासा है तो अपने दिमाग में हमेशा याद रखना बेटा, मानक पासे में हमेशा हमेशा एक का विपरीत छह होता है, दो का विपरीत पांच होता है और तीन का विपरीत कितना होता है बेटा? चार होता है। ठीक है, अब काफी टीचर क्या होते हैं, आपको बोलते हैं कि अगर सिंगल डाइस आपके सामने हो तो हमेशा याद रखना एक बराबर छह होता है, दो बराबर पांच होता है, तीन बराबर चार होता है। तो याद रखना बेटा, ये जो कंडीशन है ये केवल केवल आपको मानक पासे में ही मिलेगा। अगर यहाँ पे सिंगल डाइस सामान्य डाइस होगा, सामान्य पासा होगा, तो वहां पे एक का विपरीत छह नहीं होगा, दो का विपरीत पांच नहीं होगा और तीन का विपरीत चार नहीं होगा। तो बस मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं बेटा, अगर आपने पहचाना कि ये मानक पासा है तो बस आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर ने क्या बताया था, एक का विपरीत छह होता है, दो का विपरीत पांच होता है और तीन का विपरीत कितना होता है बेटा? चार होता है। ठीक है, अब देखो ये तो आपका मानक पासा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर अपन बात करें एग्जाम्पल नंबर दो की बात करें और पासा जो मैंने आपको बताया था अभी सामान्य पासे की बात करें, तो देखिए समझना एक बात, मैंने एक का यहां पे भी एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, एक का विपरीत अंक है। अब समझना एक बात, देखिए एग्जाम्पल आपके सामने दूसरा है, आपको पहचानना है कि ये जो डाइस है ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। अब देखो वही चीज आपको करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें क्या पूछा गया है, एक के बारे में पूछा गया है। अब देखो बेटा, अब बताइए एक का पड़ोसी कौन है? बताओ पांच। तो एक का आंसर पांच होगा क्या? नहीं होगा। पहले तो आप सबसे पहले तो यही कर दिया करो, पड़ोसी को डिलीट कर दिया करो बेटा। एक का विपरीत छह भी नहीं हो तो छह और पांच तो मेरा आंसर होने वाला है ही नहीं। अब देखिए इतना आपने किया तो बस आपको एक चीज और देखना है कि ये जो डाइस है ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब देखिए मैंने आपको पहले सामान्य पासे और मानक पासे में बताया है, सामान्य पासे के बारे में मैंने आपको बताया था अभी कि वह पासा जिसके पड़ोसी सतहों के अंकों का योग सात होना चाहिए और विपरीत सतहों के अंकों का योग सात नहीं होता है, ऐसा बना पासा सामान्य पासा कहलाता है। अब देखिए यहां पे देखिए क्या है, पड़ोसी अंकों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ता हूं तो इनका योग कितना हो रहा है बेटा? छह। अभी तक ये जो डाइस है ये मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ता हूं तो इनका योग कितना हो गया बेटा? ग्यारह। अभी तक भी ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब देखिए बेटा इन दोनों की अगर अपन बात करें, छह और एक कितना हुआ बताओ? सात। अब बेटा याद रखना जहां पे दो
पड़ोसी सतहों के अंकों का योग 7 होता है, वहां पे बस आपको एक ही चीज याद रखना है बेटा, ये सामान्य पासा होगा। कौन सा पासा होगा बेटा? ये सामान्य। अब देखो बेटा, पहली चीज आपने फॉलो किया कि पड़ोसी अंकों का योग 7 होते ही आपने देखा कि ये सामान्य पासा है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर पड़ोसी अंकों का योग 7 है तो बेटा याद रखना विपरीत अंकों का योग 7 नहीं होगा। अब देखिए बेटा, अब मैं यहां पे समझ नहीं पा, हमेशा याद रखना जो सामान्य पासा होता है उसमें कभी भी एक का विपरीत छेद नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर क्यों नहीं होगा? अब देखो बेटा, मैंने आपको कहा पड़ोसी अंकों का योग 7 है इसलिए सामान्य पासा है। वहां पे मैंने मानक में क्या बताया था? पड़ोसी अंकों का योग 7 नहीं होता तो वो मानक पासा है, उसमें विपरीत अंकों का योग 7 होगा। लेकिन यहां पे क्या है बेटा, यहां पे अगर यहां पे एक है तो यहां पे 6 नहीं होगा। अगर मैं 6 रख दूं तो बेटा एक और 6 कितना हो गया? 7। अब बेटा मैंने आपको ये चीजें किसमें बताई है? मानक पासे में बताई। अब सामान्य पासे में याद रखना एक का विपरीत 6 नहीं होगा, 2 का विपरीत 5 नहीं होगा और 3 का विपरीत क्या नहीं होगा बताओ? 4 नहीं होगा। तो मैं यहां पे थोड़ा सा समझा रहा हूं, एक का विपरीत 6 नहीं होगा, 2 की बात करें तो 2 का विपरीत 5 नहीं होगा और अगर अपन बात करें 3 का विपरीत 4 कभी नहीं हो सकता। बस आपको इस लाइन को फोकस करना है सबसे पहले कि अगर मुझे पता चलता है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और वहां पे मुझे पता चल रहा है कि ये सामान्य पासा है तो बस आप सामान्य पासे को देखते ही याद रखना कि एक का विपरीत 6 नहीं होगा, 2 का विपरीत 5 नहीं होगा और 3 का विपरीत बेटा 4 भी नहीं होगा। अब देखिए इस पासे को कैसे सोल्व करें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपके पास में यही है कि इसी पासे को कैसे सोल्व करना चाहिए। अब देखिए, अब आप मुझे बताओ पासे में कितना फलक होता है बेटा? 6 फलक होता है, इसी प्रकार का होता है। अब आप मुझे बताओ एक का विपरीत क्या 5 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये पड़ोसी है, कैंसिल कर देता हूं। एक का विपरीत 6 तो होगा ही नहीं, यहां पे पड़ोसी भी है और वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये सामान्य पासा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बेटा ये बताइए एक का विपरीत 1 तो होने वाला है नहीं, क्योंकि समान अंक कभी भी विपरीत अंक नहीं हो सकता। अब देखिए क्या क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ है। तो याद रखना ये तीनों ही अंक आपको इस पासे में दिखाई दे रहे हैं क्या बताओ? नहीं ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये अदृश्य अंक है। और याद रखना बेटा अदृश्य अंक, देखो 2, 3, 4 तीनों ही अदृश्य हैं। अब आपको ये देखना है कि इन तीनों में ऑप्शन में कौन कौन सी चीजें आ रही है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखिए बेटा, देखो 2 भी आ रहा है, ये भी आंसर है, 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। इसका मतलब अब देखिए मैं तीनों तो ऑप्शन में टिक नहीं लगा सकता कि पहले को भी लगा दिया, दूसरे को भी लगा दिया और तीसरे को भी लगाए, हमें तो एक ही ऑप्शन टिक मारना है। तो याद रखना बेटा तीनों, देखो समझना क्यों मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, तीनों अदृश्य अंक अगर एक साथ आपको ऑप्शन में दिखाई दे तो याद रखना बेटा आपको डी ऑप्शन को टिक मारना है, जिसमें होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता या तय नहीं किया जा सकता। अगर इस डी ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा तो आपको डी ऑप्शन ऐसा भी मिल सकता है, देखिए कि 2 या 3 या 4। तो याद रखना बेटा ये जो या होता है इसका मतलब होता है संभावना। क्या होता है बेटा? संभावना। कि अपन संभावना मान सकते हैं कि 2 या 3 या 4 में से कोई ना कोई एक अंक मेरा आंसर होगा। ठीक है, एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, याद रखना आपसे क्या पूछा है, 1। तो अब देखिए एक का पड़ोसी कौन है बेटा? 5 नहीं होगा। एक का पड़ोसी कौन है बेटा? 6, ये भी नहीं होगा। अब देखिए हमेशा याद रखना, अगर आपने देखा कि ये सामान्य पासा है तो आपके दिमाग में बेटा तुरंत ये आना चाहिए कि एक का विपरीत कभी भी 6 नहीं होगा, 2 का विपरीत कभी भी 5 नहीं होगा और 3 का विपरीत कभी भी 4 नहीं हो सकता। अब देखिए यहां पे पासे में 6 फलक होता है, तो देखिए 6 और 5 तो मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही पड़ोसी हैं। अब देखिए
अदृश्य अंक कौन सा है? 2, 3, 4, ये तीनों अंक मुझे यहां पे दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब मेरा आंसर 2 भी हो सकता है, मेरा आंसर 3 भी हो सकता है, मेरा आंसर 4 भी हो सकता है। अगर ये तीनों में से कोई एक अंक आएगा तो वो मेरा आंसर होगा, अगर तीनों ही साथ, देखो यहां पे तीनों ही साथ आ रहे हैं तो मेरा आंसर क्या होगा? डी होगा, तय नहीं कर सकते। या अगर डी में ऐसा होगा 2 या 3 या 4 तो मेरा आंसर भी यही होगा। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन तो इस प्रकार का आता है, अब दूसरे क्वेश्चन की इसी में देखो, सामान्य पासे की ही बात कर रहा हूं मैं, और सामान्य पासे में एक टाइप और आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मैंने कहा आपको 5 का विपरीत अंक है, पांच तीन चार, पहला ऑप्शन 2, दूसरा 3, 4, 1। अब देखिए बेटा समझ नहीं पा रहा, सबसे पहले आपको यह देखना है कि हमें क्या पूछा गया है। अब 5 के बारे में पूछा गया है, अब देखो बेटा 5 का पड़ोसी सतह कौन सा है बेटा? 4। 4 आंसर होगा क्या? नहीं होगा। सबसे पहले तो पड़ोसी को डिलीट कर दिया करो बेटा, 5 का पड़ोसी कौन है बताओ? 3। ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए क्या ऑप्शन में 3 और 4 है क्या? है तो काट दीजिए, देखो 3 भी है कैंसिल हो गया, 4 भी है कैंसिल हो गया। अब देखिए बेटा 4 में से अगर 2 ऑप्शन कट जाते हैं तो देखिए 2 ही ऑप्शन बचेंगे आपके पास। अब क्या क्या बच रहा है? 1, 2 बच रहा है और 1, 1 बच रहा है। अब देखिए इतना आपने किया तो बस आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये मानक है या सामान्य पासा है। अब देखिए इनको जोड़े बेटा, पड़ोसी सतहों को जोड़ लीजिए आप, 5 और 4 कितना हो गया? 9। 5 और 3 कितना हुआ? 8। 3 और 4 कितना हुआ? देखो यहां पे, देखो यहां पे कितना हो रहा है बेटा? 7। और जहां पे 7 होता है वहां पे कौन सा पासा होता है? सामान्य पासा होता है। कौन सा पासा होता है बेटा? सामान्य पासा। और सामान्य पासा आते ही आपके दिमाग में बस इतना ही आना चाहिए बेटा कि 1 का विपरीत 6 नहीं होगा, और 2 का विपरीत बेटा 5 नहीं होगा, और 3 का विपरीत बेटा 4 भी नहीं हो सकता। अब इतना आपके दिमाग में आ रहा है तो यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए 5, तो 5 के विपरीत पे 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 5 और 2 कितना हुआ? 7। और सामान्य पासा क्या कहता है कि कभी भी विपरीत अंकों का योग 7 नहीं होता है, तो इसका मतलब 2 भी कैंसिल हुआ। अब मेरे पास 3 ऑप्शन कट जाते हैं तो बचा हुआ ऑप्शन ही मेरा क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। ठीक है, एक बार मैं वापिस रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले आपको पड़ोसी को डिलीट करना है, अगर ये ऑप्शन में है तो आपको ऑप्शन को काटना है, काट दिया बेटा। उसके बाद में आपको ये देखना है कि ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब देखिए बेटा मुझे लग रहा है कि 3 और 4 7 होता है, अब 7 हो गया तो मुझे ये भी पता है कि ये सामान्य पासा है, और सामान्य पासे में याद रखना 1 का विपरीत 6 नहीं होता है, 2 का विपरीत 5 नहीं होता है, और 3 का विपरीत 4 भी नहीं होता है। अब इतना आपको पता है तो बस आप ये कर लीजिए, देखो 5 और 2 7, इसका मतलब 2 भी आंसर नहीं होगा। अब देखो 3 ऑप्शन अगर कट गए तो बचा हुआ ऑप्शन ही आपका क्या होगा बेटा? आंसर होगा। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करवा देता हूं। Thank you.
देखिए अच्छी तरह से समझ नहीं पा, इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपके पास में वही चीज करना है बेटा, आपसे क्या पूछा गया है तीन का, अब तीन का पड़ोसी कौन है बेटा पांच, आंसर नहीं होगा। तीन का पड़ोसी कौन है दो, आंसर नहीं होगा। अब आपको यह देखना है कि क्या पांच और दो ऑप्शनों में है क्या, है। देखो दो भी कैंसिल हो गया और पांच भी कैंसिल हो, अब बचा हुआ ऑप्शन देखो चार है और छह, यही है ना बेटा। अब इतना करने के बाद में बस आपको एक चीज और करना है बेटा, आपको ये देखना है कि ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब देखिए पांच और दो कितना हुआ बताओ सात, और जहां सात होता है वहां पे कौन सा पासा होता है बताओ, सामान्य पासा होता है। और सामान्य पासे में बेटा आपको एक चीज याद रखना है कि कभी भी एक का छह नहीं होगा, दो का पांच नहीं होगा और तीन का चार भी नहीं होगा बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा यहां तीन है, तीन का चार होगा क्या, देखो मैंने कहा तीन का चार नहीं हो सकता, चार का तीन भी नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल। अब बेटा तीन ऑप्शन कट गए तो बचा हुआ ऑप्शन ही आपका क्या होगा बताओ, आंसर होगा, ठीक है बेटा। ये आज आपका मानक पासा हुआ और सामान्य पासा, आपको बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको अच्छी तरह से, मानक पासे के बारे में भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है, सामान्य पासे के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है। अब देखिए कल की क्लास आपको तभी ही समझ में आ सकती है जब आप जो आज मैंने आपको पढ़ाया है उसको अच्छी तरह से आप पढ़ोगे, तब आपको कल की क्लास समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि कल अपन मानक पासे के बारे में देखेंगे और सामान्य पासे के बारे में देखेंगे, क्योंकि कल मैं दो आकृतियां लेके आऊंगा, पासे की दो आकृतियां, तो दो आकृतियां आपको तभी समझ में आ सकती है बेटा जब आप मानक पासे के बारे में पता होगा और जब आपको सामान्य पासे के बारे में पता होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो आप अपना जो YouTube चैनल है इसको अच्छी तरह से लाइक करें, शेयर करें।